तो आम चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में शराब घोटाले की जांच का मामला भी सियासी तौर पर उबाल लेता नजर आ रहा है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा दावा सामने आया है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी की प्रेस रिलीज में पहली बार केजरीवाल का नाम है, उनका जिक्र किया गया है। ईडी की प्रेस रिलीज के अंदर आरोपियों के साथ केजरीवाल का नाम लिया गया है और साथ ही ईडी की तरफ से दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया साजिशकर्ताओं के साथ शामिल हैं। तो देखिए ईडी की प्रेस रिलीज में क्या कुछ कहा गया है, हाईलाइट करके आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली शराब घोटाले की मांग की जांच को लेकर ईडी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। पहली बार अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है ईडी ने। 9 समन अब तक ईडी इस पूरे मामले के अंदर पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को भेज चुकी है। अभी तक अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं, उन्हें कोर्ट से राहत भी मिली है इस मामले को लेकर। लेकिन इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सीधे सीधे ईडी को ही कटघरे में खड़ा कर रही है और उस पर सियासी तौर पर काम करने का आरोप भी लगा रही है। तो देखिए एक तरफ ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर अरविंद केजरीवाल के नाम का जिक्र किया है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पलटवार करती हुई नजर आ रही है। ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है, यह दावा आम आदमी पार्टी ने किया है। ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार है, ये आरोप भी आम आदमी पार्टी ने लगाया है। साथ ही केजरीवाल से डरी हुई है बीजेपी, ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। किसी भी कीमत में वो गिरफ्तार करना चाहती है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, ये आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगा रही है। और ईडी सीबीआई बीजेपी के गुंडे बन चुके हैं। ये तमाम आरोपों की जो फहरिस्त है जो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मीडिया में एक बयान दिया है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। ये क्या जमाना आ गया है कि अब देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज मीडिया में स्टोरी प्लांट कर रही है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए हैं। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन भेजे जा रहे हैं। खुद ईडी कोर्ट जाती है, कोर्ट जाके ये समन कानूनी है कि गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल जी का समन पे आना या ना आना सही है या गलत है, ईडी खुद कोर्ट गई। लेकिन ईडी कानून की प्रक्रिया का सम्मान नहीं करती है, ईडी इंतजार नहीं कर सकती है कि कोर्ट अपना फैसला दे, इसीलिए कभी समन देके कभी मीडिया में बयान देके ईडी अपना असली राजनीतिक रंग दिखा रही है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। तो दिल्ली शराब घोटाले की जांच को साजिश बताने की कोशिश करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, वहीं ईडी ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको बताया। आगे क्या होगा सीधे लिए चलते हैं आपको, मेरे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, जल्दी से जरा ये बताइएगा कि ये समन पर समन तो आ ही रहे थे, लेकिन ईडी ने पहली बार अपनी प्रेस रिलीज के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम जिसका जिक्र किया गया है, साथ ही मनीष सिसोदिया को साजिशकर्ताओं के साथ शामिल बताया गया है, क्या उनकी मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं? ईडी क्या कुछ कार्यवाही कर सकती है? आगे का रोडमैप किस तरह से नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए पहली बार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम कथित शराब घोटाले में जोड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने आरोपियों के साथ उनका नाम जोड़ा है तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप देखिए जो बीआरएस नेता हैं के कविता, उनके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जोड़ा गया है और ईडी ने आरोप लगाया है कि के कविता ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर जो कथित शराब नीति थी उसमें बदलाव किया था और यही वजह है कि इस बदलाव के जरिए जो पैसे का लेन देन हुआ वो भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर जो साउथ लॉबी की कड़ियां हैं अगर वो जुड़ती हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार इस कथित शराब घोटाले को लेकर के 9 समन पहले मामले को अगर देखा जाए जारी कर चुकी है। ईडी की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है किया जा रहा है उसको लेकर आम आदमी पार्टी उस पर राजनीतिक तौर पर प्रेरित जरूर बता रही है। दोनों आमने सामने भले ही नजर आ सकते हो लेकिन इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो इसमें कोर्ट से भी किसी तरीके से आम आदमी पार्टी या उसके नेताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की और ये जो शिकंजा है ये और कस सकता है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने के कविता को रिमांड पर लिया है और पूछताछ कर रही है, उसके बाद कल जिस तरीके से प्रेस रिलीज जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपियों के साथ जोड़ा गया, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं कोई कड़ी जरूर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही होगी। और यही वजह है कि कल प्रेस रिलीज जारी करके उनके नाम की घोषणा की गई कि वो इस साजिशकर्ता में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट उनका भी है। और यही वजह है कि जैसे जैसे साउथ लॉबी की जो कड़ियां हैं वो जुड़ती जाएंगी, वैसे वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी। क्योंकि आप देखिए लगातार पर सवाल यही है कि इसमें साजिश ज्यादा है या सियासत ज्यादा है। आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ईडी की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं और ईडी की इस प्रेस रिलीज को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया है कि केंद्र सरकार का मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर निकलेंगे और देश के कोने कोने में इंडिया गठबंधन के लिए मीटिंगें, रैलियां, सभाएं करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, इसलिए उनको किसी भी तरीके से जेल में डालना है। एक्साइज के मामले में कोर्ट ने बेल दे दी तो बात बनी नहीं, इसलिए अब एक नया मामला जल बोर्ड का ढूंढा गया है, इसके बाद कोई और नया ढूंढ लेंगे। ये तो इनके पास सारी की सारी एजेंसी है, कोई भी मामला किसी का भी निकाल ले, किसी को भी सम्मन कर दो, किसी को भी जेल में डाल दो, आज तो ऐसे ही चल रहा है। जांच एजेंसी से भागने वाले केजरीवाल, आपने दिल्ली में इतने भ्रष्टाचार किए हैं कि अब आपके पास सम्मान तो बचा नहीं, अब मात्र सम्मान ही बचे हैं, तो कम से कम उनका तो जवाब दीजिए। आप जल बोर्ड के सम्मान से भाग रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है और लगातार जो अधिकारी भी उसमें गिरफ्तार किए गए हैं जांच एजेंसी द्वारा, उनके द्वारा जो जानकारी है वो भी बता रहे हैं कि लगभग 4.5 करोड़ का घोटाला उस समय हुआ जब अरविंद केजरीवाल खुद चेयरमैन थे। तो जांच एजेंसी को सहयोग करें, जल बोर्ड का घोटाला भी सामने आएगा। Z News.